बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज वाराणसी पहुंचने वाली है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी। दर्शन पूजन के बाद ये यात्रा आगे बढ़ेगी। पल्लवी पटेल भी यात्रा में शामिल होंगी। गौदलिया में जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो आज वाराणसी पहुंचने वाली है भारत जोड़ो न्याय यात्रा और यहां दर्शन पूजन करेंगे राहुल गांधी। खास बात यह है कि पल्लवी पटेल भी इस यात्रा में शामिल होंगी और जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ये यात्रा गौदलिया में जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। यात्रा गौदलिया पहुंचेगी, सबसे पहले वाराणसी पहुंचेगी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे राहुल गांधी और साथ ही इसमें पल्लवी पटेल भी शामिल होंगे। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या जानकारी, कितने बजे वाराणसी पहुंचेगी ये यात्रा? देखिए, सुबह 9 बजे से इस पूरी यात्रा की शुरुआत होगी और काशी में इस पूरी यात्रा के दौरान सबसे पहले राहुल गांधी गौदलिया पहुंचेंगे। वहां से वो सीधे जो है करीब 2.5 किलोमीटर का जो पूरा मंदिर परिसर है उसमें जो है यात्रा करते हुए पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वहीं पर ही पास में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये कहा जा रहा है कि आज की जो यात्रा है ये काफ़ी मायनों में अहम है, क्योंकि आज काशी में चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। इसके साथ साथ इस यात्रा में पल्लवी पटेल जो सपा की विधायक है और अपना दल कमेरावादी पार्टी से आती हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगी। पिछले दिनों उनकी नाराजगी अखिलेश यादव से जो सामने आई थी, ऐसे में अब उनकी यात्रा में शामिल होने पर कई सियासी मायने भी जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि आज काशी में कौन कौन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है उसके में आज का जो पड़ाव है वो वाराणसी है। और आज काशी में, अगर हम आज काशी की बात करें तो यहाँ पर आज सभी की निगाहें जो है राहुल की न्याय यात्रा पर टिकी हुई हैं कि राहुल गांधी आज जनसभा को संबोधित होते करते हुए क्या कहते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र में वो मौजूद रहेंगे और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो एक हिंदू एक जो टैग है जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल खड़ा करती रही है उसको लेकर भी आज एक कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, क्योंकि जब काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन पूजन करेंगे तो जाहिर सी बात है इसको लेकर लगातार सियासी जो वार पलटवार है वो भी देखना होगा। तो फिलहाल आज का जो दिन है वो काशी के लिए बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक लिहाज से है। बिल्कुल देखना होगा राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं और कैसी तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती है। उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा वो किस तरह जाएगा देखेंगे। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।